हेलो एवरीवन, आज मैं डिस्कस करूंगा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में, बैंकों का इतिहास के बारे में डिस्कस करूंगा। जो दोस्तों आपको पता ही होगा, जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। बेशक आज की बात करूं, प्रेजेंट में बैंकिंग की इंडस्ट्री की बात करूं, या आपने इंडिपेंडेंस से पहले जो जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था उससे पहले की बात करूं, तब भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे। आपको पता होगा बैंकिंग में ही नहीं, आपके हमारी लाइफ के अंदर भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। दोस्तों ये बेस्ट स्ट्रेटजी है HP कोऑपरेटिव बैंक की। इस वीडियो को ज़रूर देखना, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें तो आएंगे ही आएंगे इससे, ठीक है। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 और 3 भी जल्दी आएगा। दोस्तों आज करेंगे प्री इंडिपेंडेंस स्टेज, मतलब कि हम करेंगे बिफोर 1947 से पहले के बैंक इंडस्ट्री के बारे में। जो भारत की बैंक इंडस्ट्री थी 1947 से पहले की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा डीपली करने की कोशिश करूँगा, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। चलो शुरू करता हूँ। जिस तरह से दोस्तों हर इंसान के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, उसी तरह से बैंकिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए थे उस समय। आज से नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 1947 जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले की बात कर रहा हूँ। उस समय लोग बैंकिंग इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं करते थे। उस समय लोग साहूकारों, जो मुंशी होते थे साहूकार, 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1947 से पहले बैंकिंग लोग बैंकिंग पर भरोसा नहीं करते थे, वो लोग करते थे साहूकारों पर भरोसा, ठीक है। उन्हें ब्याज वहाँ पे कम कीमत पर मिल जाता था साहूकारों से, और ज़्यादा अपने डॉक्यूमेंट भी नहीं रखने पड़ते थे, इसलिए उस समय लोग साहूकारों पर भरोसा करते थे। पर उस समय भी बैंकिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। आज मैं बात करूंगा दोस्तों प्री इंडिपेंडेंस स्टेज, बिफोर 1947 से पहले की बात करूंगा। दोस्तों यहाँ पे मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। नोट्स के रिगार्डिंग पूछना होगा तो नोट्स ले सकते हैं। दोस्तों प्री इंडिपेंडेंस स्टेज की बात करूं, प्री इंडिपेंडेंस स्टेज बिफोर 1947, मतलब कि ऐसी स्टेज इंडिपेंडेंस से पहले की बात करने वाला हूं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों ये बात 1770 की बात है। 1770 में कलकत्ता, जब अब उसे हम कोलकाता के नाम से भी जानते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की नींव के साथ भारत में बैंकिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी, जो 1832 से संचालित होना बंद हो गई थी। क्या बात करने वाला हूँ, जो भारत में बैंकिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी वो हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान से। बैंकिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान से 1770 ईस्वी में, और पर ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान चल नहीं पाया था, इसलिए इसे 1832 में बंद कर दिया गया था। कई कारण हो सकते हैं इसके, ये अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। हम ऐसा मान के चलते हैं ये भी लॉस में चला गया होगा। लोग साहूकारों पर भरोसा करते थे, बैंकिंग इंडस्ट्री पर उस समय भरोसा नहीं करते थे, इसलिए ये भी घाटे में चला गया होगा, लॉस में, और इसे बंद करना पड़ा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद कई बैंक आए लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके बाद भी कई बैंक आए भारत में, ठीक है। उस टाइम ब्रिटिश रूल था, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं था भारत। जनरल बैंक ऑफ इंडिया आया, जिसे 1786 में खोला गया और 1791 में इसे बंद कर दिया गया ड्यू टू लॉस। फिर ओद कमर्शियल बैंक आया, 1881 में खोला गया, 1858 में इसे भी बंद कर दिया गया। क्यों? द फर्स्ट कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का ऐसा कमर्शियल बैंक था, यहाँ पर लोग हर चीज़ ज़रूरत के लिए पैसा ले सकते थे किसी भी कारण, तो एक कमर्शियल बैंक था, हर लोगों के लिए खुला हुआ था। और ये भी कुछ सालों बाद बंद हो गया था, देख सकते हैं आप। आगे चलता हूँ। कुछ सफल बैंक आए उसी टाइम जब बैंकिंग की शुरुआत हो रही थी भारत में, ठीक है। उस समय कई बैंकिंग इंडस्ट्री आई जो सफल भी रही और वो आज भी बैंक वर्क कर रहे हैं, ठीक। जैसे बात करूँ अलाहाबाद बैंक की, अलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी, इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1865 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में। अब इसका हेडक्वार्टर है जो वो है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, जो करंटली है। अब मैं इस करंटली भी आपको बताता रहूँगा, जिससे आपका हर एग्ज़ाम पैटर्न टैगलाइन तक याद हो जाए, ठीक है। प्रीवियस भी और करंटली भी जो चले हुए हैं CEO, उसके बारे में भी डिस्कस साथ साथ में करेंगे, जिससे आपको अभी टाइम वेस्ट ना हो, फिर से मैं दोबारा टैगलाइन की वीडियो बनाऊँ। और इससे क्या होता है, मैं जब वीडियो बनाऊँगा तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। जो करंटली है इसकी टैगलाइन, ए ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रेडिशन ऑफ SS,
मालिका अर्जुन जी राव जी, अलाहाबाद की जो टैगलाइन है वो है ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट, और SS मालिका अर्जुन राव जी इसके क्या है, CEO एंड MD हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा बैंक जो उस समय क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंस से पहले खुला था, वो जो सफल हुए थे, दूसरा था बैंक ऑफ इंडिया। 7 सितंबर 1906 को इसके खोला गया था, इस्टेब्लिश हुई थी, फाउंडेशन हुई थी मुंबई इंडिया में, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई इंडिया में अभी। और इसकी जो टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, अतानु कुमार दास जी इसके क्या हैं, अतानु कुमार दास जी इसके क्या हैं, CEO एंड MD। मैंने पंजाब नेशनल बैंक की पहले भी बताई है कौन है CEO, आप बताएंगे उसे नीचे कमेंट करके। पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं, 1906 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और न्यू दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है। द नेम इसकी टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, और अपॉन होगा ठीक है, और इसकी आपको कमेंट करके बताना है कि इसके CEO कौन है। बैंक ऑफ बड़ौदा आया, वो आया 1988 में, और मैं इसके बताऊंगा कौन कौन से मर्ज हुए हैं इन सभी में बैंक, वो भी बताऊंगा। बड़ोदरा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक इसकी टैगलाइन है, और संजीव चड्ढा जी इसके CEO हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में ये एस्टेब्लिश हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। टुगेदर वी कैन इसकी टैगलाइन है, पल्लव महापत्रा जी इसके क्या है, CEO हैं। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम आए यहाँ कर सकते हैं। अलाहाबाद बैंक की बात करता हूँ अब, इसके ऊपर जो मैंने बताया है सफल बैंक उसके बारे में कुछ अब डिस्कस करने वाला हूँ। 2019 30 अगस्त 2019 को जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमन है, ठीक है, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि जो अलाहाबाद बैंक है वो इंडिया में बैंक में मर्ज हो चुका है। ठीक है, जो अलाहाबाद बैंक विद मर्जर ऑफ अलाहाबाद बैंक विद इंडियन बैंक में ये मर्ज हो चुका है। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करूँ, जो पंजाब नेशनल बैंक था एक्चुअली में वो खुला था 1894 में लाहौर में। ठीक है, जो भारत में इसकी नींव रखी गई थी वो थी 1906 में, ये भी याद रखना है। वैसे फाउंड हुआ था ये लाहौर में, हुआ था पंजाब नेशनल बैंक 1894 ईस्वी में लाहौर में। ठीक है, दैट टाइम उस समय बता रहा हूँ मैं। और जो पंजाब नेशनल बैंक है आफ्टर मर्जर ऑफ टू बैंक यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 1 अप्रैल 2020 से इसमें मर्ज कर दिए जाएंगे। पंजाब नेशनल बैंक में बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स इसमें मर्ज कर दिए जाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द मर्जर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा विजय बैंक एंड देना बैंक 17 सितंबर 2018 से बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक और देना बैंक मर्ज हो चुके हैं, वो है 17 सितंबर 2018 से। फिर प्रेसिडेंसी रूल आया, ठीक है, उसके बाद जब ये बैंकिंग इंडस्ट्री आई जो सफल बैंक रहे, उसके बाद आई प्रेसिडेंसी रूल, ब्रिटिश की ही गवर्नमेंट का रूल था। दीज बैंक्स वर फंडेड बाय प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट, उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में थी। ठीक है, दीज बैंक वर फंडेड बाय प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट एट दैट टाइम, कौन कौन से थे, वो थे बैंक ऑफ बंगाल, एस्टैब्लिश हुआ था 1806 में। फिर आया आपका बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में इस्टेब्लिश हुई थी, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में इसकी नींव रखी गई थी, इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, 1921 में फिर क्या हुआ, ये कुछ समय बाद अर्थात 1921 में इन तीनों बैंकों को एक ही बैंक में मर्ज कर दिया गया था, वो था इम्पीरिकल बैंक ऑफ इंडिया में। ये भी आ सकता है कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास इसमें मर्ज कर दिए गए थे कुछ समय बाद, वो है इम्पीरिकल बैंक ऑफ इंडिया में से, इम्पीरिकल बैंक ऑफ इंडिया में से मर्ज कर दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इम्पीरिकल बैंक ऑफ इंडिया वाज लेटर रिमेंड कुछ समय बाद इम्पीरिकल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के क्या रख दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भारत का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 1955 इंपीरिकल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दिया गया था। ठीक है, रिजर्व बैंक, फिर उसके बाद क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ कुछ समय बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी नींव रख दी गई। 1935 में इसकी इस्टेब्लिश कर दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज इनके गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास जी, करंटली गवर्नर बता रहा हूँ, अभी वो प्रीवियस भी बताऊंगा उस समय कौन थे। ठीक है, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और नेशनलाइज्ड हुआ था 1849 में। ठीक है, मतलब कि इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, अब ये सार्वजनिक कर दिया गया, निजी से सार्वजनिक कर दिया गया, लोगों के लिए खोल दिया गया। फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन थे, फिर से वो पुरानी बात आ गई। ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ, इसका फर्स्ट गवर्नर थे वो थे ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, ये भी याद रखना, पर वो थे ब्रिटिश। सर ओसबोर्न स्मिथ वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ आरबीआई, फर्स्ट फर्स्ट गवर्नर भी वो थे, और ये पहले थे ब्रिटिश गवर्नर। फिर उसके बाद आए सी डी देशमुख, दूसरे गवर्नर, वो थे फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे, वो भारतीय मूल के गवर्नर बने थे, ये भी याद रखना। आरबीआई वाज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों से ही जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी। किसके थ्रू रखी गई थी, हिल्टन यंग कमीशन के थ्रू ही आरबीआई की नींव रखी गई थी। उस समय में अधिकांश बैंक आकार में छोटे थे। ठीक है, जब ये बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करूँ 1947 से पहले, जो इनके आकार तो छोटे थे और असफलताओं के उच्च दर से पीड़ित थे, मतलब कि बहुत ही घाटे में ये जो बैंक थे चल रहे थे। तो उस समय जो ये थे वो असंगठित क्षेत्र, मतलब कि उस समय जो लोग थे वो साहूकारों पर भरोसा करना पसंद करते थे। ठीक है दोस्तों, ये थी बैंकिंग की जो 1947 से पहले की बात कर रहा हूँ। अब बात करेंगे हम दोस्तों फेज सेकंड की, वो है 1947 से 1951, और फेज थर्ड की 1951 से बियॉन्ड अब तक की। ये सभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय।